सो गाइज आज आने वाला है अर्शी का रिपोर्ट। अर्शी ने थायराइड चेक कराया था। अगर थायराइड हो गया फिर क्या करूंगी मैं? थायराइड होने से क्या हो जाता है शोनू, क्या करना पड़ता है? दवाई खानी पड़ती है। दवाई खानी पड़ती है? रोने का कोई फायदा नहीं है गुड्डू, आंसू से ना निकाल। अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं है मेरे बेटे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आवर न्यू वीडियो। सो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे। सो गाइज आज आने वाला है अर्शी का रिपोर्ट। अर्शी ने थायराइड चेक कराया था। सो अर्शी क्या बोलना चाहेगी, तेरी थायराइड का रिपोर्ट आने वाला है? यार मेरे को टेंशन हो रही है, सच में टेंशन हो रही है, मुझे मजाक की बात नहीं है। क्या जोक मारा भाई। क्या टेंशन हो रही है? अगर थायराइड हो गया फिर क्या करूंगी मैं यार? फिर क्या, थायराइड होने से क्या हो जाता है शोनू? कुछ करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? दवाई खानी पड़ती है। दवाई खानी पड़ती है? कितनी? बहुत ज्यादा? एक गोली मॉर्निंग। एक गोली मॉर्निंग, उससे क्या थायराइड हो जाएगा ना ठीक? फिर वेट तो कम हो जाएगा ना उससे? बोल तो रहे थे, कहते हैं जैसे आपको नॉर्मल जो वेट था ना उस पे आ जाएगा, लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा डोज के लिए अगर आ गया तो। ये तो बहुत मुश्किल है गाइज यार, अर्शी रेगुलर कभी रह ही नहीं सकती। अर्शी एक्सरसाइज तो रेगुलर करती नहीं है। ज्यादा मत बोलो अपने आप को, दवाइयां मेरे को पसंद नहीं है। तो तभी तो कह रहा हूँ एक्सरसाइज तो करती नहीं, तो दवाइयां कहाँ से पसंद है इसको? दवाइयां भी पसंद नहीं है इसको, रेगुलर कैसे रहेगी? फिर तो मुश्किल है शोनू, फिर तो तेरा वे जाएगा नहीं, वेट भी नहीं जाएगा और तेरा थायराइड का वो भी कम नहीं होएगा। मैं क्या ना करूं, तेरी वजह से हो रहा है थायराइड, लगना भी तो रीजन होता होगा ना कोई? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता ना, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है यार। जिसको पता होता जिसको पता हो गया फिर मैं क्या करूंगी यार? जिसको पता होता तो उसकी भी नहीं सुनती है। मैं इसको इतना समझाता हूँ शोनू, एक्सरसाइज कर, थायराइड का ना एक्सरसाइज भी होते हैं। अभी एक दिन होने से पहले होना चाहिए ना, होने के बाद क्यों? नहीं है इसको गाइस, जब से शादी हुई है ना 3 साल, शादी से पहले भी मैं इसको बोलता था और कराता था कि अर्शी एक्सरसाइज कर, ये कर वो कर, सब कुछ बताता था वीडियो कॉल में। मैं बताता था शोनू ये वाली एक्सरसाइज कर, ऐसे कर वैसे कर, और उसके बाद भी ये माननी नहीं। एक दिन करती थी, एक हफ्ता छुट्टी, एक दिन क्या एक हफ्ता छुट्टी, ऐसे करके करती थी। और अब टेस्ट रो क्यों रही है? अब रोने का क्या फायदा इस चीज में? तो अब थायराइड, अब देखते आज क्या आता है इसका रिजल्ट, एक बार जाके देखेंगे और बस। और क्या बोल सकते हैं हम, है ना? अब जब पहले समझ आ जाता तो यहाँ तक ना पहुँचते, और यहाँ तक भी समझ आ गया तो ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पता ही आगे आगे जाके और क्या क्या होता है बीमार। अब रोने का कोई फायदा नहीं है गुड्डू, आंसू मुंह से ना निकाल। अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं है मेरे बेटे, तू तो देख। अरे गाइज अर्शी पतली नहीं होगी, देखो देखो पतली लग रही है गुड्डू। सो गाइज चलो, सो गाइज और अर्शी का आज मेकअप भी है, अर्शी मेकअप करने जा रही है और वहीं से थायराइड का भी जो रिपोर्ट आने वाला है वो लेंगे। और चलो अब मैं यही खाना शुरू कर देती हूँ गाइज, इसी पे जिए करूंगी। ये है क्या, इससे क्या बेनिफिट है? ये है तरबूज, ताजा तरबूज। इससे इसमें वाटर होता है ना, ये खाना चाहिए यार गर्मियों में, खाना चाहिए तरबूज। तो अब अर्शी रोज खाने लग गई है वैसे तो, और अर्शी ने कल से डाइट भी बिल्कुल फॉलो किया है, जो जो मैंने बोला है। अगर ऐसे करोगी तो होएगा नहीं क्या? क्यों नहीं होएगा? होएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये पता है क्यों कर रही है तू? ये भी मेरे को पता है, क्योंकि भाई आज तो रिपोर्ट आने वाला है तो ये सब तो करना पड़ेगा। दो दिन के लिए ही है तेरा ये, 3 साल से देख रहा हूँ गुड्डू, 3 साल होने वाले गाइस हमारी शादी को, और अर्शी बिल्कुल 3 साल तक बात नहीं, बस बस रहने। मेरे मन की आवाज है। क्या मन की आवाज है? अभी 2 दिन के लिए, और चीज मन की आवाज नहीं होती? चलो गाइस आप लोग देख रहे हो ना, वीडियो बन रही है, मन की आवाज बोल रही है, ठीक है? 2 दिन हुआ है आज, ऐसे मत तो करो ना। बाकी पूरा खाना भी नहीं छोड़ना है, खाना भी खाना पड़ता है। एक रोटी खा लो दिन दिन में कि पच जाए पूरे दिन में, बस बाकी शाम को भी ऐसी ठीक है सब कुछ, ठीक है डॉक्टर साहब। चलो वेरी गुड। सो गाइज अर्शी का रिपोर्ट आ चुका है थायराइड का, और अर्शी अभी देख रही है, खुद चेक कर रही है, डॉक्टर बन चुकी है अर्शी। और अर्शी का थायराइड का रिपोर्ट मैं देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एक बार दिखाओ क्या है, मैंने भी अभी तक देखा नहीं है और इसने मेरे को बताया भी नहीं है कि क्या है। कह रही है एक बार खुद देखो, मेरे को डॉक्टर बना रखा है जैसे कि मेरे को पता। तो तुम डॉक्टर हो तो एक बार तुम ही बता दो, तुम्हारे डॉक्टर ने क्या बोला चेक कर? डॉक्टर ने बोला ऐसे कि नॉर्मल है आपकी रिपोर्ट। नॉर्मल आई है रिपोर्ट? मैंने उनसे पूछा दोबारा, मैं कहती आप सच बोल रहे हो भैया है? कहते हाँ जी हम आपको थोड़ा बताएंगे मैम। मैं कह चलो बढ़िया है, 2-3 बार पूछा मैंने उनसे। अच्छा उन्होंने बोला मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे भी हजम नहीं हो रहा यार, है ना? मुझे भी हजम नहीं हो रहा था। चलो लेकिन ठीक है, ये मैं जैसे कल टेंशन ले रही थी ना दवाई दूई की, कि दवाई खानी पड़ती है, दवाई ना वैसे अच्छी नहीं होती है खानी ज्यादा। बट गाइज इससे ज्यादा टेंशन मेरे को थी यार की रिपोर्ट ठीक है, क्योंकि इसको अगर फर्क पड़ना होता ना तो ये रोज एक्सरसाइज करती और डाइट लेती। की अगर एक टेंशन हो जाती यार की अच्छा यार थायराइड चेक कराना है, थोड़ा मोटी हो रही हो या फिर वेट बढ़ रहा है मेरा, तो फिर खुद को टेंशन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा टेंशन मेरे को थी, और तभी मैं जो भी कराता हूँ ना इसको मैं, कि भाई एक्सरसाइज कर शोनू, ये खा ऐसे, ये वाली चीज़ खा, फ्रूट्स खा, ऐसे खाने का,
ये सब मैं कराता हूँ तो ये कर रही है, नहीं तो ये करती ही नहीं है। एक दिन करती है, अगले दिन लड़ाई होने लग जाती है। और हमारे घर पे दूसरी बात, लड़ाई मेन चीज इस चीज में होती है कि मैं बोलता हूँ भाई तू खाना ना बना, तो घर का कोई काम ना कर, कुछ नहीं बोलूँगा मैं, सब कुछ चल जाएगा, बट तूने एक्सरसाइज करना और ढंग का खाना खाना, ये दो चीज़ कर ले। अगर इस चीज़ में थोड़ा सा भी इधर उधर करती है, दो दिन एक्सरसाइज किया, तीन दिन नहीं किया, फिर मेरा हाई हो जाता है कि यार लेकिन क्या अब मैं दो हफ्ते से रेगुलर हूँ। हैं? दो हफ्ते से रेगुलर है। चलो थोड़ा, अभी थोड़े दिन पहले लड़ाई हुई थी ना, सच बताइए हुई थी कि नहीं, क्यों हुई थी बताना, बताओ क्यों हुई थी, क्या हुआ था उस दिन, एक बार कहानी बताओ। पता नहीं, मैं तो भूल भी गया। यही तो बात है ना, तुम भूल जाती हो, मुझे याद है, मैं बताता हूँ। सो गाइस, अभी दो दिन पहले क्या हुआ कि इसको मैंने सुबह उठ के बोला शोनू बाबू एक्सरसाइज कर ले, फिर अच्छा, कह रही कि शोनू मेरे को थोड़ी देर सोने दे दो। मैंने बोला ठीक है यार, दो तीन दिन से कंटिन्यू कर रही है तो ठीक है सो जा थोड़ी देर, फिर उठ के कर लियो। कह रही ठीक है, सोई 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 बंदी 10 बजे उठी, उठने के बाद फ्रेश हुई, ये वो सब कुछ, खाना बना ना बना मुझे कोई फ़र्क नहीं था। मैंने बोला शोनू चल तू 10 बजे उठ गई है और तू फ्रेश हो गई, ये वो 10:30 हो गए, शोनू आधा घंटा एक्सरसाइज कर ले, थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। ना अभी मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं शाम को करूँगी। मैं कह रहा पहले तूने बोला सोने दो मेरे को, उसके बाद तूने बोला कि भाई चलो फ्रेश हो गई ये वो, उसके बाद आधा घंटा तो मॉर्निंग का जो रूटीन है कर ले एक्सरसाइज, नहीं नहीं। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, मैं चले गया, मैंने हेलमेट वेलमेट उठाया, बैग बुक चेक का, मैंने बोला मैं क्लास जाऊंगा उधर ही से और मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो कह रही अच्छा करती हूँ, बट किया नहीं इसने। मैं नीचे दुकान चले गया, मैंने बोला चल थोड़ा गुस्सा होकर चले जाता हूँ दुकान को सामान ले आऊँगा और ये कर लेगी। मैं आया तो ये खड़ी थी, बट इसने मेरे को ये बोला कि मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने बोला चल ठीक है तूने कर लिया तो ठीक है, बट मैंने शाम को फिर करा दिया था थोड़ा बहुत, बट ये मानती नहीं है यार सोनू। क्यों एक बार यार बताओ, क्यों नहीं मानती हो तुम मेरी बात? सोनू तुम अच्छे नहीं हो, तुम गंदे हो। हाँ। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अब कभी भी। हाँ मैंने अब यहाँ बता दिया तो बात नहीं करूंगी, ये क्या बात हुई? मैंने कर था एक्सरसाइज। सो गाइस, अर्शी का रिपोर्ट आ चुका है और चलो इसके लिए मैं खुश हूँ, बाकी के लिए नहीं। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ ये रिपोर्ट देख के। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। और चलो एक्सरसाइज करना है और हेल्दी खाना खाना है। और अभी भी मैं पार्क जा के आया था, रोज मैं पार्क जा रहा हूँ अब। रोज दो दिन हुई है, रोज नहीं है। सुन अभी मेरी बात सही है, ठीक है, सब कुछ ठीक है ना? तो आप भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी, सब ठीक, बट आगे हमने ध्यान रखना है। अब होएगा, कुछ होएगा तभी करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, लाइफ तो ठीक होनी चाहिए। और तुम एक और प्रॉमिस करो कि मेरे को भी मोटा करोगी। और सब बोलते हैं यार पत्नी प्यार नहीं करती, क्या पत्नी प्यार करती है तो मोटे हो जाते, तू मोटा नहीं हो रहा मतलब पत्नी प्यार नहीं ऐसा करती। कुछ नहीं होता है, ऐसा ही होता है, तू करती नहीं है सोनू मेरी केयर। मैं तो बता दिया, हाँ, मैं बता तुम्हारी है ना। गाइस ये बताऊं क्या करते हैं ये, मैं ऐसे कुछ खाना लेके रखूंगी इनके आगे, ये बस फोन देखते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे और वो खाना सूख जाएगा बड़ा बड़ा बेचारा, लेकिन ये खाएंगे नहीं उसको, है ना, बस वो सूख गया। नहीं अब मेरा मन नहीं कर रहा ये रख, तो मैं सुबह खाऊंगा। वो वाली चीज वेस्ट हो जाती है, वेस्ट, आपको पता, बिल्कुल वेस्ट। चलो ठीक है, आपकी बात ठीक है, खाना वेस्ट करते हैं एकदम गंदे। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अभी टाइम कितना हो रहा है? 10:30। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11, ठीक है, 10:52 हो रहा है और खाना बन गया सोनू? बना नहीं अभी, बन रहा है ना, अभी 11 बजे खाना बन रहा है। खाना सुन मेरी बात, अब खाना 11:30 बजे आएगा मेरे पास और मेरे को भूख लग रही थी 8:30 बजे और 11:30 बजे खाना मिलेगा, तब तक भूख मर जाती है। और दूसरी बात कि उस टाइम फिर मैं कुछ कुछ खा लेता हूँ, समोसे खा लिया या कुछ खा लिया, उसके बाद फिर जब खाना आता तो थोड़ा सा खा के पेट भर जाता है, मेन रीजन ये है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं भी ध्यान रखूंगा। बट गाइस आई एम सो हैप्पी, अर्शी का रिपोर्ट एकदम मस्त आ चुका है और आज बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, कल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए थे। चलो अब हम कमेंट पढ़ते हैं, अर्शी और मैं दोनों कमेंट पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं कि लोगों ने कहाँ कहाँ से कमेंट करे और कितने अच्छे अच्छे कमेंट आए। सो गाइस चलो हम कमेंट पढ़ते हैं और फर्स्ट कमेंट आया अनाया खान का और इन्होंने लिखा है अर्शी आप बहुत क्यूट हो और सूरज जब आपको सोनू बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, आप दोनों हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच अनाया खान। और नेक्स्ट कमेंट आया है हॉरिबल गोस्ट का, नेक्स्ट कमेंट आया, इन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू बोथ, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट कमेंट आया खालन का, इन्होंने लिखा हुआ है हमारा मैसेज पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच अर्शी सिस आई लव यू फ्रॉम कर्नाटका, थैंक यू सो मच भाई, आपने भी कमेंट किया तभी हमने कमेंट रीड किया, आपने कमेंट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट आया निशा शर्मा का, इन्होंने लिखा है
अच्छा हुआ भाभी आपने टेस्ट करा लिया, लव यू बोथ, थैंक यू सो मच। निशा शर्मा भी हॉरिबल गोस्ट का है, फ्रॉम उड़ीसा, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। संतोष, हेलो संतोष का आया हुआ है, हैदराबाद तेलंगाना, कुछ कमेंट नहीं हैदराबाद तेलंगाना की, मैं यहाँ से हूँ। चलो जी थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। साजिद का कमेंट आया हुआ है, हेलो सूरज आप बहुत अच्छे लगते हो सऊदी अरबी से, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ से भी हमें देख रहे हैं। अनाया खान, खाने से कुछ नहीं होता, कोई शुरू से ही हेल्दी होते हैं, किसी खाया पिया लगता है अच्छा। बट अर्शी शुरू से ही पतली थी, शादी के बाद मोटी होगी, और शादी से पहले भी थोड़ी मोटी होगी थी, बट शादी के बाद मोटी होगी, अब ये थोड़ा वेट कम हो रहा है, हम ऐसे ही करेंगे, और अब तो रिपोर्ट भी अच्छा आ गया है ना, तो हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। आप मेरे मन की फीलिंग समझते हैं। नेक्स्ट कमेंट आया तबस्सुम का, इन्होंने लिखा है चावल कम खाया करो। नहीं खाती अब तो, मैंने छोड़ दी चावल खाने, छोड़ दिया दो दिन पहले ही, झूठ मत बोलो, दो दिन पहले छोड़ा, झूठ नहीं बोलना शोनो, मैं अपने ऑडियंस से झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं जब नहीं खाया मैं बोल रही हूँ ना। नेक्स्ट कमेंट आया नीतू का, नीतू ने लिखा सूरज बेबी मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दे दो अपना प्लीज, लिखो 8427 डन 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 डन। सॉरी नीतू मेरी पत्नी, मेरे को यार अभी वीडियो बंद होने के बाद फिर मेरे को पिटेगी पकड़ के, सो मैं आपको यही बोलूंगा आप प्लीज ऐसे कमेंट करते रहो, और मैं आपका कमेंट हर बार पढ़ूंगा, अगर आप, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता कुछ, ठीक है। और भी बहुत सारे कमेंट आए हुए थे इसके भी नीचे वाले वीडियोस में, और उन सब कमेंट के लिए भी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अच्छा प्यार कर रहे हो, इतने वीडियोस में कमेंट्स कर रहे हो, थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद दिल से। मुझे बोलने दो कि थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप कमेंट करते रहो। चलो अब बोलो आप कुछ, धन्यवाद दिल से, और बस थैंक यू सो मच। और गाइज हमारे जो बाकी भी चैनल है, सूरज शर्मा आप सर्च करोगे ना, एक सूरज शर्मा डांस वाला आ जाएगा, सूरज शर्मा मतलब हमारे शॉर्ट्स वीडियोस भी देखने तो उसमें आ जाएंगे, इसमें कम आएंगे, एक सेकंड, इसमें कम आएंगे, और शॉर्ट्स वीडियोस देखने, एक कमेंट आया था कि हम आपके शॉर्ट्स वीडियोस देखना चाहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सो आप प्लीज जाके सूरज शर्मा डांस में देख सकते हो, सूरज शर्मा में भी देख सकते हो, दो तीन चैनल है हमारे शॉर्ट्स के अलग है, और हमारा इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, अर्शी का मेकअप वाला, अर्शी मेकओवर, आप प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मेरे को, आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। सो गाइज ये है अर्शी खान मेकअप वाला चैनल है अर्शी का, अर्शी मेकअप का, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज जाके अर्शी को सर्च करें, और अर्शी मेकओवर लिखोगे तो आ जाएगा, और जल्दी से जाके फॉलो करो। हम जरूरी बात, बहुत तेज बारिश हो रही है बट यहाँ पे मोहाली में बिल्कुल भी नहीं हो रही, बस बादल कड़क रहे हैं, इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर में यहाँ भी होने वाली है बारिश। So guys, आपने मेरे ये कपड़े कुपड़े कच्चे कुच्चे सारे अंदर रख दिए भाई, इतना टाइम नहीं हमारे पास, उड़ गए सारे, क्यों भाई। सैन शर्मा को भी फॉलो करो अगर इनके डांस देखना चाहते हो, SAN सैन शर्मा की स्पेलिंग आपको आती है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जाके। सो गाइज मिलते नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के लिए वेट करिए, उसके लिए टाटा बाय बाय, आपको धन्यवाद, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, कर दो हमारा चैनल, और आप कमेंट करना, हम आपका कमेंट पढ़ेंगे।